तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होना है इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई के पंजीकरण मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके ऑनलाइन आवेदन का जो भाग फर्स्ट का जो पंजीकरण तिथि थी वो 16 मार्च 2021 तक है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ की तिथि है वो 16 मार्च से ही स्टार्ट हुई थी। और फिर आगे क्या हुआ गाइस, ऑनलाइन आवेदन भाग वन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो होगी वो 11/4/2021 और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है 13/4/2021, मतलब आपका जमा करने का टाइम ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो भाग टू सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15/4/2021, मतलब 15 तारीख लास्ट डेट है सेकंड पार्ट जमा करने का। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो गाइस देखिए, आपका फॉर्म भी फिल हो चुका होगा और आप लोग कोचिंग वोचिंग वगैरह कर रहे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। तो गाइस इसकी जो आपकी ऑनलाइन तिथि है मतलब आवेदन की तिथि तो हो चुकी है लेकिन एग्ज़ाम डेट है वो आपका जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। मान लीजिए आज है 14 तारीख, तो 14 मतलब 14 तारीख है तो अगले महीने के उसके अगले महीने मतलब जून की नेक्स्ट 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ओके, तो जून में आपका एग्ज़ाम होगा तो सभी लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा और जो भी क्वेरीज है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, तो थैंक यू।